और भाई कैसे हो यार। जैक काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ही सारे अपडेट्स तुम्हारे सामने आए जा रहे हैं। और यार आज के वीडियो के बारे में अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर तुम्हारे पास टाइम है अभी तो ही इस वीडियो को देखो और पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो। चाहे 1.5x कर लो, 1.25 कर लो, कितनी भी कर लो, बट इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि यार वीडियो हो जाए 8 मिनट तक की, 5 मिनट तक की, 6 मिनट तक की, कि टाइम कम से कम लगे और इन्फॉर्मेशन सारी चल जाए। लेकिन आज के वीडियो में मैं नहीं देखने वाला। चाहे ये वीडियो बहुत छोटी बन जाए, चाहे ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, बट मुझे पता है कि आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं और पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे तुम्हें अपनी कॉलेज रिसर्च करनी है। तो यार जब से रिजल्ट आया है या जब से आंसर की आई है और तुमने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे हैं, सबको अपनी परसेंटाइल पता चल चुकी है, सब कुछ पता चल चुका है, तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, आप कौन सा कॉलेज लेना है। मेरे पास कैसे कमेंट्स आते हैं, भैया 97% है, बता दो मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। और मुझे पता है ये सिर्फ कमेंट मेरे चैनल पे नहीं करते हो तुम जितने भी चैनल से आसपास सबके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देते हो। और तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी तुम पूछते हो तो तुम्हें रिप्लाई नहीं मिलता। मैं बताता हूं क्यों रिप्लाई नहीं मिलता। बिकॉज तुमने बोला भैया मेरे 97% है, मेरे को कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता। अब क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से सोचो, इतने सारे कमेंट्स हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, इतनी सारी तुम्हारी ब्रांचेस हैं, इतने सारी तुम्हारी कैटेगरीज हैं। उस क्रिएटर को क्या पता तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है, तुम कहां रहते हो, तुम्हारे क्या परसेंटाइल है, या उस क्रिएटर को यह कैसे पता होगा कि एक कॉलेज के अंदर एक ब्रांच है इस कैटेगरी में, उसकी कट ऑफ इस राउंड में कितनी होगी। खुद सोचो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, कितना ज्यादा पीएनसी इसमें लगने वाला है। तो ऑब्वियसली कोई क्रिएटर इसका रिप्लाई नहीं देता, लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि तुम अपने लिए बेस्ट कॉलेज की रिसर्च कैसे कर सकते हो। करना कुछ नहीं है यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से जाके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करो यार, आगे लाइक करो और चैनल पे मुझे नहीं पता 30,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करा दो। बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब जल्दी आगे बढ़ के स्पीड लेते हैं, 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं और चलो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि तुम देख रहे हो, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है। तुम्हें एक पेपर लेना है, खाली पेपर लेना है, उसके अंदर अपनी परसेंटाइल लिखनी है, ठीक है, अपनी कैटेगरी लिखनी है, अपनी स्टेट का नाम लिखना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन सी ब्रांच में है। अपना इंटरेस्ट लिखो कि पहले मुझे अगर चाहिए तो सबसे पहले मुझे सीएसई चाहिए, मेरे को ईसी चाहिए। और इन ब्रांचेस का इंटरेस्ट सोचने से पहले एक बार इन ब्रांचेस के बारे में सर्च भी करो यार यूट्यूब पे जाके कि ये ब्रांचेस है क्या। जब एक पेपर तुम्हारे पास रेडी हो जाए कि ये है मेरी रिक्वायरमेंट्स, ये होने वाला है तुम्हारा स्टेप वन या इसे स्टेप जीरो भी कह सकते हो। इसके बाद हम आने वाले हैं फर्दर स्टेप्स पे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सेकेंड स्टेप होने वाला है वो है लोकेशन क्या होने वाली है, तुम्हें कौन सी लोकेशन में अपना कॉलेज चाहिए। ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो मैं अपने एग्जांपल के साथ तुम्हें बताऊंगा। तुम किसी स्टेट में रहते हो, ठीक है, हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो एक स्टेट से 1,000 किलोमीटर दूर वाली स्टेट में जाके जो है कॉलेज लेगा। बिकॉज मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को दिल्ली में ही रहना था, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से दिल्ली में रह रहा था, तो मेरा मन नहीं था कि मैं किसी और स्टेट में जाऊं, तो मेरा था कि मैं दिल्ली में ही रहूंगा। तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हें दिल्ली में रहना है लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो तो तुम बाहर की स्टेट्स में भी जा सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, गूगल सर्च करनी है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन उस स्टेट का नाम। मेरे केस में इट्स दिल्ली, तो मैंने सर्च किया गूगल पे, ठीक है, तो मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स आने लग गए। अब देखो कई आर्टिकल्स फर्जी भी होते हैं, एकदम बेकार आर्टिकल्स। एक आर्टिकल मैंने खोल रखा है, मैं ये नहीं कह रहा एकदम फर्जी है, बट इसके अंदर तुम्हें ऐसे ऐसे कॉलेजेस भी मिलेंगे जो मैं सीरियसली बता सकता हूं, मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, जो नहीं है वर्थ इट, ठीक है। तो इन पे तुम्हें इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कॉलेजेस हैं, इनको फिर नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है, दिल्ली के अंदर ये कॉलेजेस हैं मेरे पास। बाकी अगर तुम्हें दिल्ली के अंदर कॉलेज नहीं चाहिए, फिर उसके बाद तुम देखोगे स्टेट के बाहर वाले कॉलेजेस जो तुम्हारे स्टेट के पास हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं देखूंगा कि अच्छा राजस्थान में कोई कॉलेज मिल जाए, अच्छा कोई और स्टेट है पंजाब में मिल जाए, कहीं और मिल जाए, हरियाणा में मिल जाए या यूपी में मिल जाए, मैं ये सब सर्च करूंगा। मतलब अपनी स्टेट के पास वाले देखो, अगर उन कॉलेजेस में भी तुम्हें लगता है कि यार ये सही नहीं है, तो तुम फिर पूरे इंडिया के कॉलेजेस में आ जाओ कि ठीक है यार मेरी इतनी परसेंटाइल है, मुझे इंडिया के किसी कोने में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, मैं जाके ले लूंगा, मेरे लिए लोकेशन मैटर नहीं करती।
तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि तुम्हें पहले तो गूगल सर्च करना है, सारे कॉलेजेस के बारे में पता लगाना है कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब मैं उससे बड़ी चीज तुम्हें बताना चाहता हूं कि गूगल पे आज के टाइम पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करना छोड़ दो। अब आ चुके हैं तुम्हारे पास यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स, ठीक है, तो फिर आ जाओ यूट्यूब पे। अब तुम सर्च करोगे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली, कर दिया सर्च, अब तुम्हारे पास बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो आ जाएगी, जो एकदम बेकार बेकार वीडियोस नहीं होती कि नाइन्थ पे ये है, एट्थ पे ये है, वो वाली तो इग्नोर कर दो। जो अच्छे क्रिएटर्स हैं यार, जो तुम्हारे सामने आके तुम्हें एक एक चीज बताने की ट्राई करते हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनको फॉलो करो। जैसे अगर मैं यहां पे बताऊं तो मेरी वीडियो नहीं आ रही है नंबर वन पे, आनी चाहिए थी मतलब, बट यहां पे मैंने एक वीडियो बनाई है ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन दिल्ली एक्सप्लेन्ड, इसके अंदर मैंने सारे कॉलेजेस के बारे में बता रखा है। तो मान लो तुम आए, तुमने दिल्ली के सारे कॉलेजेस देख डाले, ठीक है, तो ये हो गया यार हमारा स्टेप कंप्लीट। इस स्टेप में हमने ये सीखा है कि हमें वेबसाइट्स जो हम गूगल पे देख रहे हैं उन पे ट्रस्ट करना है, लेकिन ज्यादा हमें चाहिए क्रिएटर बताए, क्योंकि क्रिएटर किसके थ्रू बता रहा है, वीडियो के थ्रू बता रहा है। जब तुम वीडियो देखोगे तो तुम ज्यादा सीखोगे, ज्यादा चीजें तुम्हें पता चलेंगी उस कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट चीज आती है कट ऑफ। कॉलेजेस तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे जो तुम्हें बहुत पसंद आ रहे होंगे, लेकिन क्या उनकी जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें वो कॉलेज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो कौन सी ब्रांच मिल रही है, क्या वो ब्रांच तुम्हारे इंटरेस्ट वाला जो तुमने बनाई है लिस्ट उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो अब मैं आ गया हूं यार इस वेबसाइट पे जिसका नाम है कॉलेज प्रवेश। अब तुम्हें क्या करना है, जिस भी कॉलेज के बारे में तुम्हें जानना है, जिसकी तुम्हें कट ऑफ वगैरह देखनी है, उसके बारे में तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम गूगल पे क्या लिखो, IIIT दिल्ली स्पेस कॉलेज प्रवेश, या लिख सकते हो IIIT दिल्ली कट ऑफ कॉलेज प्रवेश। मतलब कॉलेज प्रवेश यार ऐसी वेबसाइट है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें तुम्हें यार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है बहुत सारे कॉलेजेस की। तो मैं यहां पे आ चुका हूं IIIT दिल्ली के इसमें। अब मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा अपनी कैटेगरी वगैरह सब कुछ, वो करने के बाद मैं क्लिक करूंगा गो पे, ठीक है। अब खुद सोच रहे हो ना तुम, एक क्रिएटर को कितना डिफिकल्ट होता है तुम्हारे लिए कॉलेज सजेस्ट करना, बिकॉज उसे तुम्हारी कैटेगरी देखो, कितनी सारी कैटेगरीज है, कितनी सारी ब्रांचेस है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम कहां रहते हो, ये सब नहीं पता होता उन्हें, और ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता है। तो अब मैं यहां पे आ चुका हूं, यहां पे मुझे सारी कट ऑफ मिल चुकी है। मैं यहां पे राउंड फोर की कट ऑफ में जाऊंगा, बिकॉज मुझे एट द एंड ऑफ फोर राउंड फाइव राउंड जितने भी राउंड है तब तक मुझे सीट चाहिए, तो मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्स्ट राउंड में ही चाहिए। तो मैं फोर्थ राउंड में आ गया हूं। अब मैं यहां पे कट ऑफ देखूंगा, तो मेरे टाइम पे क्या था कि मुझे फोर्थ राउंड तक कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन मिल गई थी, मैंने उसकी रिसर्च अच्छे से कर ली थी, तो मेरे को पसंद थी ब्रांच इसलिए मैंने फाइनल कर डाली। तो यहां पे देखो अगर तुम कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन यहां पे दिखा रहा है 23,048, ये तो थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, तुम मान के चलो 15,000 से 18,000 के बीच में शायद मिल जाए, अभी भी कुछ मेरे को कंफर्म नहीं है, बट यहां पे तुम्हें पिछले साल का ट्रेंड पता चल जाएगा, पिछले साल ये ब्रांच इतने में मिली है, तो इस बार भी अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे थोड़ा सा ही नंबर होगा बट इतने में मिल जाएगी। तो तुमने कट ऑफ देख ली, इस पॉइंट में आते आते ना तुम्हारे पास उन कॉलेजेस की लिस्ट बन जाएगी जिनके तुम्हें पता होगा कि ये तुम्हारे रीच के अंदर है, समझ रहे हो, ये तुम्हारी रीच वाले कॉलेजेस पता चल जाएंगे। पहले तुमने सारे कॉलेजेस निकाल लिए, अब जब उनकी कट ऑफ चेक करी तो तुम्हें पता चल गया अच्छा ये कॉलेज मेरी रीच के अंदर आते हैं, और मुझे पता चल गया ठीक है IIIT दिल्ली मेरी रीच में है। अब तुम्हारे पास एक नई लिस्ट बन गई उन कॉलेजेस की जो तुम्हारी रीच पे है कि हाँ ये कॉलेजेस मुझे मिल रहे हैं, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, इसमें ये मिल रही है, तो एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब आगे तुम्हें उन कॉलेजेस की डीप रिसर्च करनी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करोगे। तो डीप रिसर्च कैसे होती है यार, सबसे पहला पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है जो तुम्हें भी पता होगा, तुम यूट्यूब पे जाओगे, उस कॉलेज का नाम लिखोगे स्पेस डिटेल्ड रिव्यू या ओनली कॉलेज रिव्यू या रिव्यू, ठीक है, बस इतना लिखोगे। तो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च कर दिया है और मेरी वीडियो टॉप पे आ रही है IIIT दिल्ली वाली, और मैं थोड़ा प्रमोशन भी कर देता हूँ यार, IIIT दिल्ली में जब मैंने एडमिशन लिया था तो यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं था, बिल्कुल जीरो के आसपास का कंटेंट था, मैंने सारी रिसर्च बड़ी मुश्किल से करी थी, बट मैं बहुत खुश हूं यार ये चीज बोलने में आज की डेट में कि IIIT दिल्ली से रिलेटेड जो मेन कंटेंट है ना वो मैं डाल चुका हूं, और मैं पहला बंदा हूं जिसने ये सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डाला है। तो तुम ये रिव्यू भी जाके देख सकते हो, बहुत ही कैड रिव्यू है, ठीक है, तो ये रिव्यू देखोगे, सारे रिव्यू देखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिव्यू देखोगे, जितने क्रिएटर्स ने डाला है सबके रिव्यू देखो, तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 4, 5, 6, 7, 10 रिव्यू देखोगे, जितने भी देखोगे तुम्हें कॉलेज के बारे में एक थोड़ा बहुत ओवरऑल मतलब आइडिया लग जाएगा ये कॉलेज है क्या, सिर्फ रिव्यू। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, सिर्फ रिव्यू देख के नहीं रुक जाना, अब अगली चीज पे आते हैं। अब तुम्हें कॉलेज का तुमने रिव्यू देख लिया, अब तुम्हें उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आने हैं, जैसे कि मैं IIIT दिल्ली हॉस्टल सर्च करता हूं, ठीक है, मैंने IIIT दिल्ली हॉस्टल सर्च किया, मेरी वीडियो आ रही है इस पे भी मैंने बना रखी है, IIIT दिल्ली के हॉस्टल देखो क्योंकि रहना एट द एंड तुम्हें 4 साल वहां पे है, ठीक है, मैं देख ली हमने।
अब क्या करोगे, IIIT दिल्ली स्पोर्ट्स सर्च कर लो, क्योंकि तुम्हें स्पोर्ट्स भी खेलने होंगे भाई, है ना भाई, स्पोर्ट्स भी खेलोगे तो स्पोर्ट्स भी सर्च करो, उससे रिलेटेड भी वीडियो आएगी, वो भी मैंने बना रखी है। अब तुम्हें प्लेसमेंट भी लेनी है एट द एंड, तो तुम IIIT दिल्ली की भाई प्लेसमेंट्स भी सर्च कर लोगे, ठीक है, तो प्लेसमेंट्स पे भी आएगा, किसी ना किसी ने तो बनाई रखी होगी। चलो ठीक है, मेरी भी वीडियो आ रही है और हाँ ये प्लेसमेंट वाली मेरी भी आ रही है, तो मैंने बना रखी है। इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते करते IIIT दिल्ली का तुम्हें और क्या क्या देखना है, रिसर्च कल्चर देख लो, ब्रांचेस देख लो सारी की सारी, और जो भी तुम्हारे दिमाग में चीजें आ रही हैं, फेस्ट में भी भाई मजे भी लेने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे रहने कॉलेज में, फेस्ट में भी जाना है, मस्ती भी करनी है, तो उसके फेस्ट की वीडियोस देखो, अच्छा फिर तुम्हें और मजा आएगा कि हाँ यार ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये तो तुमने यूट्यूब पे उसके बारे में अच्छे से देख लिया, यूट्यूब पे क्या होता है वीडियोस होती है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अब मैं नेक्स्ट आता हूं कोरा नाम की वेबसाइट पे, कोरा के बारे में तुमने सुना ही होगा ऑब्वियसली, तुम कुछ भी सर्च करते हो ना यार गूगल पे तो तुम्हें कोरा का ही आर्टिकल मिल जाता है, तो मैं IIIT दिल्ली कोरा लिखूंगा, यहाँ पे मेरे को हजारों चीजें मिल जाएंगी, हजारों आर्टिकल्स आ जाएंगे। कोरा की अच्छी बातें बताता हूँ, पहले बेकार चीजें भी बहुत हैं, सारी इनसाइट बताने वाला हूँ, अच्छी चीजें बताता हूँ। मान लो मैं हूं एक स्टूडेंट, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूं, मैं किसी प्रोफेसर की बात नहीं सुन रहा हूं, मैं किसी की नहीं सुन रहा हूं, मैं पर्सनली अपने ओपिनियन देने आता हूं कोरा पे, जैसे यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं वहां पे कोरा पे भी हैं जो अपने पर्सनल ओपिनियंस अच्छे से रखते हैं, तो वो कॉलेजेस के बारे में बहुत अच्छे से तुम्हें बताएंगे, तो बहुत सारे रिव्यूज पढ़ोगे तो तुम्हें एक जनरल ट्रेंड पता चलेगी, अच्छा इस कॉलेज के में ये चीज ऐसी होती है। क्या सर्च कर सकते हो तुम, IIIT दिल्ली प्लेसमेंट कोरा, तो कोरा में तुम्हें IIIT की प्लेसमेंट के बारे में बता देंगे, और काफी कंपैरिजन भी होते हैं कि इस कॉलेज को इससे कंपेयर कर लो, ये सब चीजें तुम्हें कोरा पे मिल जाएगी। ये है यार पॉजिटिव्स ऑफ कोरा। मैं तुम्हें नेगेटिव्स ऑफ कोरा के बारे में बता देता हूँ, जितने भी कॉलेजेस तुम्हें मिलते हैं यार, ठीक है, उनमें एक टीम बनाई जाती है सारे स्टूडेंट्स को मिला के, उनको एनकरेज किया जाता है कि इस कॉलेज को पॉजिटिव दिखाओ, या हर कॉलेज की एक मार्केटिंग टीम भी होती है, जैसे तुमने कई प्राइवेट कॉलेजेस देखे होंगे उनके बारे में तुम ऑनलाइन पढ़ते होगे और तुम्हें ऐसा लगता होगा भाई IIT बॉम्बे क्या है यार, मैं यहीं क्यों नहीं चले जाता, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां की जो मार्केटिंग टीम होती है वो अपने कॉलेज को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, ऐसे तुम्हें IIIT दिल्ली, DTU, NSUT कोई भी कॉलेज है सबके अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि सबको चाहिए कि हमारे कॉलेज में ज्यादा अच्छे बच्चे आए और हमारा कॉलेज आगे बढ़ता रहे, हमारे यहाँ से प्लेसमेंट अच्छी आए वगैरह वगैरह। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही बढ़िया सोर्स पे जो है फेसबुक। फेसबुक मुझे पता है आजकल काफी कम लोग चलाते हैं, तो उसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो फेसबुक पे तुम आओ, सर्च करो IIIT दिल्ली, ठीक है, IIIT दिल्ली नॉर्मल सर्च करो, और यहाँ लेफ्ट साइड में ना तुम्हें मिल रहा है कि यार पीपल देख लो, पोस्ट देख लो, यहाँ पे आ जाओ ग्रुप्स पे, ग्रुप्स वाली कैटेगरी पे सिलेक्ट कर लो। क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस जितने हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं, इनके ग्रुप बने रहते हैं कहाँ पे, तुम्हारे फेसबुक पे। जैसे ये ग्रुप बना हुआ है IIIT दिल्ली एस्पायरेंट्स करके, ठीक है, ये इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी जब मुझे एडमिशन लेना था, तो IIIT दिल्ली एस्पायरेंट के ग्रुप में मैं जाऊंगा, मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा, ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे कोई क्वेरी डाल दूंगा, क्वेरी डालने पे जो वहां के सीनियर्स है ना वो मुझे रिप्लाई देंगे और सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। ये भी कुछ हद तक जो है बायस हो सकता है, बिकॉज उसी कॉलेज के बच्चे जो है तुम्हें आके बता रहे हैं, शायद वहां की जो कमेटी है, जो कॉलेज वाले हैं, शायद उन्होंने बोला हो कि अच्छा बताओ अच्छा बताओ, तो ये भी एक सोर्स है और बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि तुम देख रहे हो सब कुछ बता दिया, ओपन हाउस होने वाला है IIIT में, एडमिशन ओपन हो गए हैं, ये देखो ये अच्छी चीजें दिखा देंगे कि अच्छा ये होता है हमारे कॉलेज में, एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ रहे हो, फील आ रही है, सॉरी ये कॉपी हो गया, सॉरी। अगली चीज सर्च कर लो जैक दिल्ली काउंसलिंग, ठीक है, जैक दिल्ली काउंसलिंग के भी मेरे को ज्यादा ग्रुप दिख नहीं रहे बट तुम्हें मिल जाएंगे, बाकी तुम अपने भाई का कमेंट देखो, ये 2 साल पहले, मैं कोई मजाक में वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं वो ही शेयर करता हूँ इस चैनल पे। 2 साल पहले तुम्हारे भाई ने देखो क्या डाल रखा है यहाँ पे, NSUT, NSIT, DTU, EC versus IIIT दिल्ली, CSD, which one is better in terms of opportunities and placements? उस वक्त देखो मैं कॉलेज की तगड़ी तरीके से रिसर्च कर रहा था एंड आई डिसाइडेड टू गेट इन टू IIIT CSD बिकॉज मुझे बेटर लगा और मैंने हर जगह क्वेश्चन पूछे थे, देखो यहाँ पे रिप्लाई भी आ रखे हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ वो मैं फुल एक्सपीरियंस के साथ ही शेयर कर रहा हूँ। सेम चीज यू कैन डू फॉर जोसा काउंसलिंग, जोसा के बारे में सर्च करो, आई गेस जोसा से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स तुम्हें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है यार, मैंने कॉलेज के बारे में बहुत कुछ जान लिया, मेरे अंदर ना कुछ डीप डाउट्स हैं भाई, जो ना मेरे को ना यूट्यूब पे मिलेंगे, ना गूगल पे मिलेंगे, ना मेरे को कहीं और मिलने वाले हैं, मेरे को वो वही स्टूडेंट ही बता सकता है उस ब्रांच का जिसने ये चीज करी होगी, उसे ही पता होगा, है ना। तो अब तुम्हें सीनियर से कनेक्ट करना है अपने, वो कैसे करोगे, मैं IIIT दिल्ली के ग्रुप में आया था, बहुत सारे सीनियर्स मेरे को रिप्लाई देते थे, मैंने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उनको मैसेजेस भेजने स्टार्ट करे, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, मैं कोरा पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करता था, मुझे रिप्लाई मिलते थे, वहां के सीनियर से रिप्लाई मिलते थे, मैं उनको पर्सनल मैसेज करता था, उन्हें फॉलो करता था सबसे पहले, फॉलो करना ऑब्वियसली जरूरी है, फॉलो करके उन्हें मैसेज करोगे ऑब्वियसली वो तुम्हें रिप्लाई देंगे, उनसे तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, चाहे उन्हें अपना नंबर देके कहो कि भैया कॉल पे आ जाओ, कॉल पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो पर्सनली तुम ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, बहुत मुश्किल ही होगा कि यार कोई यूट्यूबर तुम्हारे साथ पर्सनली कनेक्ट करे, बहुत मुश्किल से ही होता है, बिकॉज यूट्यूबर्स के पास काफी ज्यादा मैसेजेस रहते हैं, लेकिन वहां के जो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनके पास इतने मैसेजेस नहीं आते हैं, तो वो तुम्हें अच्छे से बता सकते हैं। अब लास्ट स्टेप जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें जानना है मेरे कॉलेज के बारे में, ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में, या किसी और कॉलेज के बारे में, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो। अब हाँ यार, ये एक तरीके से मैं अपनी प्रमोशन भी कर रहा हूँ, तो हाँ आ जाओ यार इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, और तुम अपने क्वेश्चन पूछना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनका रिप्लाई करूंगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब तुम मुझे फॉलो करके वहां मेरे को मैसेज भेजते हो, मैं तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर वो मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगता है तो मैं उस पर वीडियोज बनाता हूँ, ठीक है। तो ये भी तुम कर सकते हो। ये थी यार फुल रिसर्च, एक बार मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूं कि मैंने क्या क्या बोला है। अगर तुम्हें किसी कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में जानना है तो मैंने जितने पॉइंट्स बताए सबको कर डालो, कोरा पे पोस्ट कर दो, फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर दो, सीनियर से मैसेजेस देखने लग जाओ, यूट्यूब पे वीडियो देखनी स्टार्ट कर दो, अपना दिन ना भी तुम मस्ती भी करो, स्किल्स भी सीखो, साथ में 2-3 घंटे आराम से इसमें लगाओ कि तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज क्या होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार जो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते इन चीजों में कि कौन से कॉलेज में जाना है, वो लास्ट के 1-2 दिनों में देखते हैं, फाइनलाइज करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं और आगे उनका टाइम खराब होता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मुझे पता है तुम्हें वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, 30,000 सब्सक्राइबर्स तुम्हारी जिम्मेदारी है कंप्लीट कराने की, दोस्तों के साथ शेयर करो भाई का चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।